इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने प्रश्न किया, बाबा रोम रोम प्रतिवेद कहे आप कहते हैं, फिर ये पढ़ने लिखने का क्या काम? बाबा ने कहा, देवी ये लीला है। जाकी सहज स्वास श्रुति चारी सोहरि यह कौतुक। हम लोग परिवार में बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम बड़े हो गए तब हमारा कर्मकांड से कोई संबंध नहीं। अब पूजा पाठ छोटे करेंगे बड़े नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद छोटको भी नहीं करेंगे, ले हो गया काम। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे पीछे वाले करेंगे। यत ददा चरत श्रेष्ठस तत् देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। आरती में सम्मिलित होना होगा, भगवान की पूजा स्वयं करनी होगी, स्नान करके दान स्वयं करना होगा। आपने दान कही देना, ले हो गया, कह चुके आपने कर दिया तो वो कह दिए। कह के कुछ नहीं होता है, संस्कार रह के होता है, कहने से संस्कार बनता ही नहीं। जो कह गया वो बह गया, जो रह गया वो दे गया। तो ये प्रभु हमारे, कैसी अद्भुत बात। भगवान विद्यार्थी जीवन में करते क्या है देखिए पंक्तियां। प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातु पिता गुणावही माता अनुज सखा संग भोजन करहि मातु पिता पुराण सुनहि मन लाए आपको कहे अनुजन समुदाय आय सुमागे करहि मूर काजा देखि चरित अरसहि मन राय। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आए। प्रातः काल जागरण वंदन, माता पिता को वंदन, सदगुरु श्रेष्ठ को वंदन, भाइयों के साथ ममता स्नेह संस्कार समन्वय, साथ साथ पाना, साथ साथ अध्ययन, साथ साथ खेलकूद, साथ साथ रहने से बचपन का विकास होता है। आप देखिएगा बच्चे गृहस्थ साधु चाहे जो हो, जिसको 12 साल अकेले रहने का अभ्यास हो गया उसके साथ कोई आएगा तो ऐसे देखेगा, यहीं रहोगे क्या, किसी कमरे में रहोगे? हाँ नहीं 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 नहीं, उठाओ उठाओ। अरे भाई इतने बड़े कमरे आप अकेले कैसे रहेंगे? तो वो चले जाएंगे तो उनका समन्वय उठा के बाहर कर देगा। क्यों? 12 साल में मित्रों स्वभाव बनता है। जो अकेला रह गया वो संग में नहीं रह सकता है, और जो संग में रह गया वो बोलिए 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 अकेला नहीं रह सकता है। इसलिए
संग में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, संग में रहना चाहिए। हमको तो अकेले अच्छे नहीं लगते, उलझन होती है, तुरंत ताली बजाता हूँ, अरे कोई है तो आ जाओ यार अकेले, लाला के साथ बैठे चुपचाप आओ, कोई ना कोई हाजिर हो जाता। ये स्वभाव समझिएगा, बेटा बेटी का ब्याह करिएगा तो ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त परिवार है वो अकेले बाप की बिटिया न लावे, और जो अकेले रहने वाला है वो संयुक्त परिवार से न लावे, नहीं तो बिटिया मायके में रहेगी। क्योंकि 12 साल में स्वभाव बन जाता है अकेले रहने का और साथ में रहने का। जो एकल लोग हैं वो संयुक्त नहीं रह सकते, संयुक्त वाले अकेले भूत रहते हैं, कोई है नहीं, आदमी से बैठे नहीं है तो अकेले तो भूत लगता है, लेकिन जो साथ रहता है उसको अकेले खलता है, अकेले वाले को साथ खलता है। मेरे प्रभु अनुज सखा संग भोजन कर, तब मातो पिता अज्ञान, मात पिता की आज्ञा अनुसार रहते हैं। देखिए आज्ञा पालकता और सूचना दाता ये दोनों अलग अलग प्रसंग है। मानस का संबंध तन से नहीं है, मन से है, क्योंकि रच महेश निज मानस कहाँ रच रखा, मानस। तो जब मानस में आएगा असमानस, इसके लिए दूसरी होगी कोकिल जी वाली, असमानस मानस चख चाहि भई कवि विमल बोधि अव, मानस का संबंध मन से है। कहां तक गई कथा, चौथे पन पायो सच्चाई। अच्छा, महर्षि जी महाराज भगवान के दीक्षा गुरु हैं। देखिए साधु संत का काम क्या है, भजन करो और भजन कराओ, कथा सुनो कथा सुनाओ, नाम जपो नाम जपवाओ, भंडारा करो भंडारा कराओ, क्यों, पंगत संगत साधु संत का काम। क्या काम, कोई आवे भूखा न जावे, सब पावे। अब किसी ने प्रश्न किया, महाराज विश्वामित्र जी को का लेना देना कर रहे थे, उत्पात करने देते। तीन ऋण सबके सिर पर घूमता है, पितृण देवऋण और ऋषि ऋण, हमारे आपके सबके सिर पर टहल रहा है। तीनों ऋणों से सबको उऋण होना ही होगा, सदगुरु को योग्य शिष्य प्रदान करके, देव पूजन करके, और ऋषियों ने जो तप किया है उसको लोक मंगल हेतु प्रसार करके, ये ऋण उऋण होने की यात्रा। निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप सभी लोग गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी के लिए एक गीत है हमारा, माया की बंधनवा में जब आई जाला आदमी तो सगरे वेद शास्त्र भुलाई जलाए। गृहस्थी
गृहस्थी बेचारा अपने में ही इतना परेशान रहता है, उसको कहाँ भगवान, भजन, कथा, मंदिर, हो उसका सारा काम सेंट्रलाइज है, केंद्रित है, कहाँ अब तो स्व केंद्रित है। ये जो साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि मंडल है, इनके पास भगवान, लोक, अध्यात्म, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा, इसी में आनंदित रहते। इसलिए विश्वामित्र महाराज तब मुनिवर मन कीन विचारा, क्या कि प्रभु अब तरे हरन गुरुदेव विश्वामित्र जी ने विचार किया, भगवान धरती के भार को हरण करने हेतु अवतार ले लिए। अरे भाई, अब दर्शन मात्र से तो काम चलना नहीं है, लाना पड़ेगा, चले और ले आए। पहुंच गए, बड़ा स्वागत हुआ, सुनाया होगा भैया ने आप, बहुत स्वागत हुआ, राज दरबार लाए, चरण धोए, पूजन किए, जो परंपरा षोडशोपचार निर्वाह हुए, प्रसाद विश्राम, संध्या वेला में राजसभा, श्री चरण पधारे। मांगने का एक समय होता है, किसी से कब मांगा जाए, अर्जुन बहुत अच्छा जानता है। टेक्निक माताओं, एक विनोद कर रहा हूं, माताएं अपनी बहुत कठोर बात कब कहती हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी तैयारी करती हैं, वही बनाएंगी जो उनको बहुत अच्छा लगता हो। अब जब खाए बैठे पंखा लेके झुझुरे, तब वे वो स्टेशन पकड़त, अब वो तो पसंद का सामान रखा है, स्टेशन पकड़ लिया है, तो यदि प्रसन्नता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आदमी कहता अब तू खा हम जाते। चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा गुरुदेव परम प्रसन्न है, और गुरुदेव ने देखा कि चक्रवर्ती जी परम प्रसन्न है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।